Good morning, students. This is Renu Tamboli from Leal Public School. So today we will read chapter number 8 in moral value. Name of this chapter is Be Polite. Okay. So it's a story about a king and his daughter. Long ago, there lived a king. He had one daughter named Ratna. एक समय की बात है. कौन रहता था? एक king रहता था. काफी दिनों व्हाट वी से कि जो किंग है वो बहुत क्या रहता था, वरीड रहता था. एंड ही हैड अ वन डॉटर नेम्ड रत्ना, जिसका नेम क्या था? रत्ना. द किंग वाज वरीड अबाउट हर मैरिज एज रत्ना हैड वन कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच ओनली द मैन हु विल गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रत्नास ग्रैंड मदर शैल बी हर हस्बैंड. मीनिंग इज दैट कि किंग बहुत ज्यादा वरिड रहता था बिकॉज उसकी डॉटर थी जिसके कंडीशन थी, एक शर्त थी कि वो उसी मैन से, उसी आदमी से शादी करेगी जो रत्ना की दादी के क्वेश्चन का आंसर देगा, वही रत्ना का हस्बैंड बन सकता है. ओके. इंटेलिजेंट मैन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड. बहुत सारे बुद्धिमान आदमी जो अलग अलग जगहों से आते थे, वर्ल्ड के अलग अलग ना जगहों से आते थे, जिन्होंने बहुत कोशिश करी बट दे डिड नॉट सक्सीड, पर उन्हें सफलता नहीं मिली. वन डे अ यंग मैन केम टू द पैलेस एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ओके. तो एक दिन क्या हुआ, एक यंग मैन आया रत्ना के महल में और उसने क्या करा, क्वेश्चन का, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी. रत्ना एंटर्ड द हॉल विद हर ग्रैंड मदर. रत्ना हॉल में आती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ. एंड शी वॉज अ 90 ईयर ओल्ड लेडी. और रत्ना की ग्रैंड मदर कितने ईयर्स की थी? 90 ईयर्स ओल्ड लेडी थी. द यंग मैन लुक्ड वेरी केयरफुली एट हर. उस यंग मैन ने रत्ना की ग्रैंड मदर को बहुत अच्छे से देखा. एंड शी ओपन्ड हर माउथ. और उसने अपना माउथ ओपन करा. शी ओपन्ड हर माउथ. ठीक है. शोड हर टंग. रत्ना की मदर ने अपना माउथ ओपन करा और अपनी टंग को शो करा. एंड देन पॉइंटेड टुवर्ड्स हर टीथ. और अपने टीथ की तरफ क्या करा, अपने टंग को पॉइंट करा. एट वंस ही अंडरस्टूड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू विच रत्नास ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू हिम टू एक्सप्लेन वाई इवन After 90 years, all her teeth were broken. Broken that means कि टूट जाना. रत्ना की grandmother क्या करती है, अपना मुंह खोलती है और अपनी टंग को किसकी तरफ पॉइंट करती है, अपने टीथ के सामने क्या करती है, पॉइंट करती है. मीनिंग इज दैट कि रत्ना की grandmother ये क्वेश्चन पुट करना चाहती थी कि क्यों आफ्टर 90 years, क्यों 90 years के बाद मेरे सारे टीथ टूट गए हैं. बट हर टंग स्टिल रिमेंड इन हर माउथ. बट उसकी जो टंग है वो अभी भी रत्ना के माउथ में बची हुई है. इस क्वेश्चन का आंसर रत्ना की ग्रैंड मदर चाहती थी. ओके. एंड ही बाउड बिफोर द किंग एंड गेव द फॉलोइंग आंसर. B-O-W-E-D, bowed that means कि मुड़ा या टर्न होना. यंग मैन किंग की तरफ मुड़ा और उसने आंसर करा. आंसर देखो क्या है, अवर टीथ आर हार्ड. हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो हार्ड होते हैं. बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर नेचर. हमारे जो टीथ हैं वो हार्ड होते हैं, इसलिए वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते. एंड दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड सो दे कैन नॉट लीव फॉर अ लॉन्गर. और हमारे जो दांत है एक ही जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जिस कारण से वो क्या नहीं रह सकते, लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हमारे टीथ. ओके. लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. सो ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अवर टंग इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल. हमारी जो टंग होती है वो सॉफ्ट होती है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होती है. And so it hardly undergoes any change till a person's death. है ना? मतलब हमारी जो टंग होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सीबल होती है. इसी कारण से हमारी टंग क्या होती है, इट हार्डली अंडर गोज एनी चेंज टिल अ पर्सन्स डेथ.
है ना, हमारी जो टंग होती है वो एक पर्सन के डेथ तक क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, एंड लाइक वाइज इन लाइफ टू. इसी तरीके से हमें हमारे जीवन में भी क्या करना चाहिए, ओनली दोज हु आर सॉफ्ट एंड काइंड टू अदर्स सर्वाइव एंड विन इन द एंड. ओके, मीनिंग इज दैट कि जब भी हम, मतलब कि अगर वो पर्सन जो दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट और काइंड बने रहते हैं, वो ही जीवन में क्या करते हैं, अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं और क्या करते हैं, विन इन द एंड. वेयर इज दोज हु आर हार्श ऑलवेज लॉस एवरीथिंग. जो भी अपने लाइफ में काइंड और सॉफ्ट बना रहता है वो इसी अपने जीवन में सर्वाइव कर सकता है और वही क्या कर सकता है, जीत सकता है द एंड ऑफ दिस लाइफ, है ना. एंड जो हार्श होते हैं, रूड होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज लॉस एवरीथिंग, जो क्या करते हैं, हमेशा खोते ही रहते हैं. सो रत्ना बिकेम वेरी हैप्पी एट द यंग मैन्स रिप्लाई. रत्ना बहुत खुश होती है यंग मैन के आंसर से, रिप्लाई से, एंड शी इमिडिएटली गेव हर कंसेंट फॉर मैरिज. और रत्ना जल्दी से अपनी शादी की सहमति दे देती है. द किंग्स ड्रीम वॉज फुलफिल्ड. किंग का सपना पूरा हो जाता है. सो डियर चिल्ड्रन, वी आर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ स्पीच. ओके, पावर ऑफ स्पीच मतलब हम हमारे बोलने की शक्ति से क्या है, ब्लेस्ड हैं. एंड यूज इट केयरफुली. हमें भगवान ने टंग दी है ना, हमें बोलने की शक्ति दी है, पावर ऑफ स्पीच दी है कि हम जो चाहे जैसा चाहे बोल सकते हैं. बट यूज इट केयरफुली. तो हमें जब भी हम किसी को कुछ जवाब देते हैं या किसी को कुछ कहते हैं, तो हमें सोच समझ कर अपने वर्ड्स का यूज करना चाहिए. एंड लर्न टू बी पोलाइट ऑलवेज. और हमें हमेशा दूसरों के साथ पोलाइटली, है ना, हमेशा पोलाइट रहना चाहिए. एंड विद पोलाइटनेस यू आर श्योर टू विन. और हम हमेशा पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ क्या कर सकते हैं, लाइफ में जो भी काम करना चाहे वो हम कर सकते हैं और जीत सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, यू शुड टॉक इन अ डैश मैनर. हमें हमेशा कैसे मैनर में बात करनी चाहिए, प्लेजिंग, PLEASING. ओके, मतलब पोलाइट मैनर में. नंबर टू, यू शुड बी डैश टू ऑल. हमें हमेशा दूसरों के लिए कैसा रहना चाहिए, पोलाइट. ओके, वी शुड बी पोलाइट टू ऑल, POLITE, पोलाइट, विनम्र. नंबर थर्ड, यू शुड से डैश व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग. जब आप किसी को कुछ चीज, किसी चीज के लिए पूछते हैं, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, सॉरी या प्लीज. वी विल यूज प्लीज, PLEASE. नंबर फोर, यू शुड से डैश टू द पर्सन हुम यू हैव हर्ट. अगर आप किसी पर्सन को चोट पहुंचा देते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए, सॉरी, नॉट थैंक यू. ओके. नंबर फाइव, व्हेन समवन हेल्प्स यू से डैश थैंक यू ऑब्लिक सॉरी. सो वी विल यूज थैंक यू. ओके, जब भी कोई आपकी हेल्प करे तो हमेशा उसे थैंक यू कहना चाहिए. नंबर सिक्स, व्हेन यू स्नीज, जब आप स्नीज करते हो, छींकते हो, से डैश थैंक यू या एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी, जब भी आपको स्नीज आती हो, आप छींकते हो, तो एक्सक्यूज मी यूज करना चाहिए, कहना चाहिए. कमिंग टू द ट्रू फॉल्स. राइट, ट्रू और फॉल्स. नंबर वन, everyone likes rudeness. क्या सबको रूडनेस पसंद आती है, फॉल्स. नंबर टू, वी शुड नॉट शाउट एट anyone. क्या हमें किसी पे शाउट नहीं करना चाहिए, यस, ट्रू, हमें किसी पे भी चिल्लाना नहीं चाहिए. नंबर थर्ड, यू शुड हर्ट अदर्स. क्या दूसरों को हमें चोट पहुंचानी चाहिए, फॉल्स, हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. नंबर फोर, अ पोलाइट चाइल्ड से स्वीट वर्ड्स, यस, हमेशा एक जो विनम्र बच्चा होता है वो मीठे शब्दों का यूज करता है, ट्रू. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर. नंबर वन क्वेश्चन, हु वॉज रत्ना. रत्ना कौन थी, वॉट वॉज हर कंडीशन फॉर मैरिज. रत्ना कौन थी और उसके मैरिज की कंडीशन क्या थी. रत्ना वॉज डॉटर ऑफ अ किंग. रत्ना एक राजा की बेटी थी. एंड शी हैड अ कंडीशन. विच मैन हु विल गिव आंसर टू द क्वेश्चन
asked by her grandmother shall be her husband. रत्ना की ये कंडीशन थी कि जो आदमी उसकी ग्रैंडमदर के क्वेश्चंस का आंसर देगा वह उसी के साथ वह शादी करेगी या वही उसका हस्बैंड बनेगा. नंबर टू, व्हाट क्वेश्चन डिड रत्नास ग्रैंडमदर आस्क? आंसर, Why after 90 years all her teeth were broken? क्यों हमारे 90 years के बाद teeth टूट जाते हैं? And but her tongue still remained in her mouth. But जो tongue है वो अपने मुंह में रह जाती है और जो teeth होते हैं वो सारे टूट जाते हैं. Okay? Next question. What answer did the young man give? Explain it in your words, own words. Answer, our teeth are hard. हमारे teeth hard होते हैं because they cannot change. तो वो change नहीं हो सकते. Okay? They cannot change their nature. वो अपना nature नहीं बदलते हैं. And our tongue is soft. हमारी जो tongue होती है वो soft होती है and flexible होती है. So it hardly change till a person's death. Okay? जो हमारी tongue होती है जो क्या करती है persons की death तक उसमें changes कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं. नंबर फोर क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? वी शुड ऑलवेज पोलाइट टू ऑल. वी शुड पोलाइट ऑलवेज, हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए. ओके, सो दैट वाज आवर चैप्टर. ओके, एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ यंग मैन एंड शी इज रत्ना. एंड ऑन दिस पेज यू कैन सी रत्ना with her grandmother and it's a picture of king aur ye kaun hai young man. Okay, so do complete this work in your books and send this work to your class teachers. Till then, take care, have a great day, bye bye.